मोदी अंजार में भूकंप में मारे गए 185 बच्चों की याद में बने हुए वीर बाल स्मारक समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की कच्छ शाखा नहर का लोकार्पण भी पीएम की तरफ से किया जाएगा, जिससे इलाके में जल आपूर्ति को बहुत बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चार तस्वीरें आपके सामने हैं पीएम मोदी के रोड शो की, और ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हुजूम जो है जनता का सड़कों पर आ गया है, सड़क पर जनता का सैलाब ये देखिए, जो बताने के लिए काफी है कि आखिर गुजरात की जनता प्रधानमंत्री को देखने के लिए कितनी उत्साहित थी। सुबह सवेरे से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच गए थे, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और दोनों तरफ जनता ही जनता। और जिस तरीके से, और ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपको भुज की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्मारक का उद्घाटन किया जा रहा है। ये वो पल है जो भुज वासियों के लिए, जो वो जख्म थे 2001 में जिस तरीके से भूकंप आया था और 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, भुज में इसी स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन किया जा रहा है। स्मारक दरअसल ये जो है 2001 में जो भयानक भूकंप आया था उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, उसी की याद में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन किया जा रहा है। करीब 470 एकड़ में ये मेमोरियल फैला हुआ है। लेकिन वो वक्त कोई नहीं भूल सकता जब 2001 में भूकंप आया था, उस वक्त किस तरीके से लोगों की जान गई थी। क्योंकि